बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनने के बजाय कटिहार में कलयुगी बेटों ने अपने बुजुर्ग माँ बाप को इस कपकपाती ठंड में घर से निकाल दिया। आपको बता दें कि बुजुर्ग दंपति के 3 बेटे हैं और तीनों सरकारी नौकरी करते हैं। जमीन के मामूली हिस्से को लेकर बेटों ने उनके साथ जो कुछ किया उसे देख इलाके के लोग भी हैरान हैं। दोनों को इस हाल में देखकर लोगों को रहा नहीं गया। स्थानीय लोगों ने चाय नाश्ता कराया और ओढ़ने के लिए कंबल भी दिए। इनकी हालत को देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। बुजुर्ग दशरथ पासवान ने बताया कि उनके 3 बेटे और 1 बेटी हैं। तीनों बेटे सरकारी नौकरी करते हैं, एक बैंक का मैनेजर है तो दूसरा मास्टर, जबकि तीसरा बेटा अमीन है। जमीन में हिस्सा नहीं मिलने से नाराज बेटों ने उन्हें इस कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकाल दिया। अब वह पत्नी के साथ सड़क पर बैठा हुआ है, जहां उनकी हालत को देखकर स्थानीय लोगों ने दोनों बुजुर्ग पति पत्नी को चाय नाश्ता दिया और ठंड से बचने के लिए कंबल भी दिया। वहीं पीड़ित दशरथ पासवान कहते हैं कि बेटा से लड़ाई हुआ है, खाना पीना नहीं देता था, बेटा घर ले जाएगा तो फिर मारेगा और भूखा रखेगा। स्थानीय लोगों को उनके इस हाल को देख रहा नहीं गया। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। फिर क्या था, मौके पर पुलिस पहुंची और उनके बेटे गणेश पासवान को बुलाया। पुलिस के बुलावे पर गणेश पासवान दौड़ते भागते आया। पेशे से अमीन गणेश पासवान ने बताया कि उनका भाई इन्हें लाकर यहाँ छोड़ दिया। गणेश ने कहा कि हम माँ बाबूजी को अपने घर ले जा रहे हैं, लेकिन वृद्ध माता पिता को उसके प्रताड़न का डर फिर से सताने लगा। लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों की पहल पर बुजुर्ग दंपत्ति को उनके घर तक पहुँचाया गया और उनके बेटे को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। हालांकि लोग कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि इस तरह की घटना से समाज में गलत मैसेज जा रहा है। जिस माता पिता ने अच्छी तालीम दी, जिसके बदौलत आज तीनों बेटों ने नौकरी हासिल की, आज वही बेटे अपने बुजुर्ग माँ बाप को इस भीषण ठंड में दर दर भटकने को छोड़ दिया। बेटों की इस करतूत से मोहल्ले के लोग भी हैरान हैं। हालांकि पुलिस और स्थानीय लोगों की पहल पर उनके बेटे के घर पर बुजुर्ग दंपत्ति को पहुंचा दिया गया है। इसकी चर्चा इलाके में खूब हो रही है। कलयुगी बेटों की इस करतूत से लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। कटिहार क्या करता है बेटा? लोग बेटा अमीन है, मास्टर है, मैनेजर है। अच्छा, कितना एज हो रहा है आपका? है आपका उम्र कितना हो रहा था? हमारा 130 बरस हो रहा है। 130। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? दशरथ पासवान। कितना बच्चा है आपका? बच्चा 3 था, एगो लड़की। एगो लड़की है। आपको आज बाहर फेंक दिया गया? हाँ। क्या हुआ आज? आज बाहर भीतर कर दी। आपको और किन्हीं को बाहर किया है? हाँ। आपको और किन्हीं को बाहर किया है? हाँ। किसको? बूढ़ा बूढ़ी। हमारा बूढ़ा बूढ़ी। इस तरह से मत ले जाइए, रुके, मैंने डॉक्टर से बीमार हो गया। अरे वही चाहिए ना, बढ़िया से पकड़ी पहले देखा बोलो। मामला ये है कि अभी आप लोग देखें कि अभी दो एक बुजुर्ग जो है ये हमारे मोहल्ले के निवासी जो है, ये क्या नाम है इनका? गणेश जी। हाँ, गणेश जी के माता पिता। इनके 3 बेटे हैं। 3 बेटे में से सारे लोग जॉब पे हैं। एक बैंक मैनेजर है, एक टीचर है और ये खुद अमीन है। तो ये इनके घर पे हम बाहर नहीं किए। वीरेंद्र नाम भाई है, वो ले आया, हम कहे गाड़ी से ले जाओ तो लाया, यहाँ छोड़ दिया। आप भी इसका बेटा है ना? इसका जानकारी नहीं थी हमको कि छोड़ दिया है। ये जानकारी नहीं थी कि छोड़ दिया है। आपको क्या जानकारी? तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी।
मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 982170796।